गिरीश बिल्लोरे ऑफिशियल्स पॉडकास्ट चैनल सुनने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं अंजोरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवाज हूँ। आज जो विषय आपके लिए लाई हूँ उसके माध्यम से आपको इतिहास लेखकों द्वारा इतिहास लेखन जैसे जिम्मेदारी भरे कार्य में जानबूझकर या गलती से की गई त्रुटियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगी। यह पॉडकास्ट इतिहास लेखन के समय लेखकों को सतर्कता बरतने, सूक्ष्म परीक्षण करने तथा सतत परिश्रम करने की सलाह भी देता है। एक और अंग्रेजों के नैरेटिव स्थापित करने वाले लोगों एवं प्रायोजित हुए इतिहासकारों के कारण प्राचीन भारत के इतिहास को ही सवालों के घेरे में ला दिया है। फिर जबलपुर की क्या बिसात? इस क्रम में जबलपुर अतीत दर्शन नामक एक पुस्तक में जबलपुर के प्राचीन इतिहास पर तथ्य से परे कुछ कंटेंट प्रस्तुत किए गए हैं। यह पुस्तक स्वर्गीय डॉक्टर महेश चंद्र चौबे द्वारा लिखी गई है। इतिहास लिखना एक असाधारण कार्य होता है। इतिहास में शामिल की जाने वाली सामग्री तथ्य और साक्ष्य आधारित होना चाहिए। इसमें भौतिक साक्ष्यों के अतिरिक्त परंपराओं तथा नक्षत्रीय स्थितियों को भी विचार क्षेत्र में लाना चाहिए। नासा ने इन दिनों प्राचीन ग्रंथों में वर्णित कॉन्स्टेलेशन सिचुएशंस के आधार पर रिसर्च के लिए सॉफ्टवेयर तक विकसित कर लिया है, जिससे ऐतिहासिक घटनाक्रम और उसके कालखंड के तक का निर्धारण किया जाने लगा है। इस कृति में जबलपुर को हूणों से संबंधित बताया है। उनका यह कथन संदिग्ध है। हूणों का संबंध जबलपुर के इतिहास में केवल आवालिया देवी तक सीमित है। इसके आगे न तो जबल शब्द के कारण जबलपुर नाम रखा गया, न ही इसका कंधार से कोई रिश्ता है। जाबालीपुरम ऐतिहासिक नाम है जबलपुर का, जो ऋषि जाबाली के नाम पर रखा गया है। हूणों ने मध्य भारत के इस भूभाग पर राज्य किया हो, इस तथ्य का आधार क्या है, इस पुस्तक में स्पष्ट नहीं है। हूणों को जबलपुर से कनेक्ट करने वाली अवधारणा के संबंध में हमने डॉक्टर आनंद राणा जी से बात की। वे बताते हैं। आनंद जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये बताएं, क्या जबलपुर का हूणों से कोई संबंध है? जबलपुर का हूणों से केवल इतना ही संबंध मात्र है कि जो है आवल्य देवी का विवाह यहाँ पर हुआ था, इसके अलावा और कोई ऐसा संबंध नहीं है। तो प्रकारांतर से जो लोगों ने जबलपुर का नाम जो आवल्य देवी और हो शब्दावली से जुड़ा है वो एकदम भ्रामक है, क्योंकि संबंध में जो जबलपुर गजेटियर जिन्होंने लिखा था राय बहादुर हीरालाल ने, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा है कि जो इसका नाम जो है वो महर्षि जाबाली के नाम से जाबालीपुरम हुआ और जाबालीपुरम के बाद मराठाओं के जमाने में अपभ्रंश होकर जबलपुर के नाम से ये जाना जाने लगा। इस संदर्भ में यह भी लेख है कि अबुल फजल के नाम से जबल का अर्थ पहाड़ी होता है और उससे भी लोगों ने लगाने की कोशिश की है, लेकिन अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि विदेशी आक्रांता के शब्द को लेकर और यहाँ पर जबल शब्द से जबलपुर कैसे हो जाएगा ये समस्या परे है। और यथार्थ में बात यह है कि महर्षि जाबाली द्वारा जो है ये बताया गया नगर था और आगे कालांतर में जाकर इसी का अपभ्रंश जो है वो जबलपुर के रूप में आया है सबके सामने। तो कुल मिला के हम ये मानते हैं कि अतीत दर्शन में जो काम किया गया है जो इंटेक जबलपुर द्वारा जबलपुर चैप्टर द्वारा बनाई गई वो एक तरह से भ्रामक और बेस्टलेस है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है। जो जबलपुर अतीत दर्शन में उन्होंने दो तरह से काम किया है, एक तरफ तो ये कहा है कि जबाली ऋषि नास्तिक थे, तो वो तो नास्तिक नहीं थे क्योंकि तो उन्होंने श्री राम को अयोध्या ले जाने के लिए उन्होंने नास्तिक बात की थी। बाद में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि मैंने जो है आपको इसलिए नास्तिक वाली बात कही है ताकि जो है आप लौट चले, जबकि वो आस्तिक थे। और उसमें भी एक जगह ये बताने की कोशिश की गई है कि जबाली ऋषि के नाम पर इस नगर का नाम पड़ा। फिर आगे वो फिर उसमें जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करते हैं और फिर जो है हूण शब्दावली से इसका नामकरण जो है जबलपुर हुआ ऐसा बताते हैं। तो अतीत दर्शन ने डबल काम कर दिया है।
एक तरफ तो उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि भारतीय जावाली के नाम से इस जगह का नामकरण हुआ, और दूसरी जगह उन्होंने दूसरे के नैरेटिव को लेकर उस पर डाल दिया है, लेकिन स्पष्ट जबलपुर अतीत दर्शन नहीं कहा है। वो कहते हैं कि हूण शब्दावली से जो है इसका नामकरण हुआ, ये नितांत गलत है, निरर्थक है। तो कुल मिला के हम ये मान के चले कि शब्दों के आधार से इतिहास नहीं लिखना चाहिए, जैसे रोमिला थापर इत्यादि ने कुछ शब्दों को ही आधार मान लिया इतिहास लेखन में। आपका कहना बिल्कुल सही है, और वामपंथियों की तो सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि उनको धर्म और ईश्वर से कोई वास्ता ही नहीं है, इसलिए उस संबंध में उनसे यदि कोई बात की जाए तो ये निरर्थक होगी, क्योंकि न वो धर्म को मानते हैं और न वो ईश्वर को मानते हैं। इस संबंध में उनसे कोई किसी प्रकार की डिबेट या उनसे किसी प्रकार का नैरेटिव लेना, हाँ, ये हम लोग सबकी मूर्खता है। रोमिला थापर ने तो जानबूझकर इस बात की प्रयास किया है। बिल्कुल, आपका हमने कॉलेज में व्यस्तता और परीक्षाएं चलने के बावजूद आपका समय लिया, और आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी।